हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज का दिन बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज है फुल मून डे। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए फुल मून की एनर्जी मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी फुल मून होता है तो एनर्जी चेंज होती है और उस एनर्जी को चेक करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम सब लोगों के लिए वो 15 डेज क्या इम्पोर्टेंट लेकर आते हैं हम उसको जान सकें। क्योंकि जब एनर्जी चेंज होती है तब कई बार बहुत सारी चीजें जो ठीक नहीं चल रही होती वो अचानक से ठीक होने लगती हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो ठीक चल रही होती हैं वो अचानक से खराब होने लगती हैं। तो हमें यही चेक करना है। जब चंद्रमा बदलता है, यानी कि जब वो फुल मून से न्यू मून की तरफ जाने वाला होता है, तो बहुत सारी चीजों में बदलाव आता है और यही बदलाव हमें देखना है। जैसे ज्वार भाटा आता है, हमारी बॉडी में भी 71% पानी है, तो उसका भी इम्पैक्ट, चंद्रमा का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से धरती का पानी प्रभावित होता है, हमारे शरीर का पानी भी प्रभावित होता है, तो चंद्रमा का तो बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। तो आज हम देखेंगे कि ये फुल मून हमारे लिए क्या लेकर आएगा और क्या एनर्जीज रहेंगी, उसको भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है आज क्लियर क्वार्ट्ज की एक बॉल, बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए कितनी एनर्जी है इसमें और कितनी ब्यूटीफुल है। और इसके साथ है क्लियर क्वार्ट्ज पिरामिड। तो दोनों में से जो आपको लगता है इंट्यूटिवली कि आपको सिलेक्ट करना चाहिए और मून के साथ आपको कनेक्ट करने में मदद कर रहा है, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो मैं ये स्लॉट्स जो है वो ओपन कर चुकी हूँ। आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, इस दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर ही स्लॉट्स बुकिंग होती है। तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर और अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जल्दी से आज के हमारे टॉपिक के बारे में, फुल मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए मैं इसको साइड पे करती हूँ और यहाँ पर हम देखेंगे कि फुल मून की एनर्जी क्या रहने वाली है। नेक्स्ट 15 डेज फुल मून से लेकर न्यू मून तक की एनर्जी क्या कह रही है। तो यहाँ पर मैं पहले एनर्जी कार्ड से ही ये कार्ड लेकर देखना चाहती हूँ और हम देखेंगे कि न्यू मून तक का जो टाइम है। ओके, एक कार्ड निकल चुका है, मैं ले रही हूँ इसको, एंजल ऑफ लव। ओके, तो न्यू मून तक का जो टाइम है 15 डेज, वो हमारे लिए कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज कह रही हैं, तो देख लेते हैं और कार्ड्स लेकर। ओके, ऑल टाइड अप। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफायल, एक और कार्ड लूंगी उसके बाद डिटेल करते हैं। पेशेंस। ओके, तो यहां पर है एनर्जीज आ चुकी आपके लिए। यहां पर जो मैसेज है वो है एंजल ऑफ लव, जो बता रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज आप किसी के साथ बहुत ज्यादा प्यार में रहने वाले हो, किसी के साथ आपका कनेक्शन गहरा होने वाला है, किसी के साथ आपकी जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा होगा, जिसके साथ आप बंधा महसूस करोगे खुद को। तो ऐसी एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज में आपकी रहने वाली हैं। यहाँ पर ना मैं एक चीज देख रही हूँ कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है। यहाँ भी एंजल है, यहाँ भी एंजल है, यहाँ भी एंजल है, तो एंजल की ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहने वाली है। और फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफायल बताते हैं कि आपके हार्ट चक्र को आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये टाइम भी ऐसा है जब आप एक गहरे कनेक्शन में खुद को महसूस करोगे, और जिस गहरे कनेक्शन में खुद को महसूस करोगे वहां कोई पेन ना हो, वहां कोई दर्द ना हो, इसका ध्यान आपने बहुत ज्यादा रखना है। रफायल एंजल आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, उसको अगर वो इम्बैलेंस है तो ठीक करने में आपकी मदद करते हैं। तो जब भी ऐसा लगे कि आप ठीक नहीं हो, आपका दिल ठीक नहीं है, या आपको किसी बात का स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, मुश्किल में हो आप, दिल को भार लग रहा है किसी बात से लेकर भी, चाहे वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आप रफायल एंजल को याद कर लेना, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तो ये 15 डेज की एनर्जी ना यही बता रही है कि आप अगर रफायल एंजल को याद करोगे तो वो आपके आसपास किसी ना किसी तरीके से आपकी मदद के लिए जरूर आ जाएंगे। तो ऐसा जरूर करना अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग होती है। दूसरा, यहाँ पर पेशेंस जितना ज्यादा रखोगे 15 डेज में, उतना ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है रखना किसी भी काम के लिए। यहाँ पर रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, करियर की बात नहीं कर रही हूँ, जहां पर भी आपको कुछ भी करना है पेशेंस के साथ करना है। ये एनर्जी निकल कर आई है, तो आपको पेशेंस तो रखना ही है।
अब मैं देख लेती हूँ यहाँ पर टैरो की मदद से और क्या मैसेज आप रिसीव करोगे नेक्स्ट 15 डेज में, फुल मून से लेकर न्यू मून तक का जो टाइम है वो आपके लिए कैसा होगा, आप क्या एनर्जीज रिसीव करने वाले हो। ओके चलिए देखते हैं। ओके द एम्प्रेस, चैरियट, ग्रेट, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, टेम्परेंस फिर से आ गया है, पेशेंस फिर से आ गई है, तो यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, पेज ऑफ कप्स। तो एक बात तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि चीजों को बैलेंस करना आपको बहुत ज्यादा पड़ने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में। आप किसी के साथ गहरे कनेक्शन में हो, ये तो मैंने आपको कह दिया, पर वो गहरे कनेक्शन में आपको अपने दिल का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी आपको हर्ट कर सकता है क्योंकि आपका दिल कमजोर है इस समय पर। जब आप प्यार में होते हो तो सेंसिटिव हो जाता है दिल, जो होता है वो सेंसिटिव हो जाता है। हम छोटी छोटी बात से बहुत ज़्यादा पेन में आ जाते हैं, छोटी छोटी बात दिल को हर्ट कर जाती है, छोटी छोटी बात से ऐसा लगता है कि इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, इसने मुझसे ऐसी बात क्यों की। तो ये वाली सिचुएशन जो है ये आपके दिल को तोड़ सकती है, हर्ट कर सकती है आपको। तो आपको ये बात जरूर समझनी है कि छोटी छोटी बातें दिल पर बिल्कुल भी नहीं लगानी, पेशेंस रखना है। कोई गुड न्यूज रिलेशनशिप को लेकर आपको मिल सकती है, कोई आपके रिश्ते में आ सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, नए रिश्ते में आप बंध सकते हो, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। दूसरी बात, यहाँ पर चैरियट है तो काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी रहेगी आपकी। आप अगर बैलेंस करना चाहोगे तो बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे चीजों को। ऐसा नहीं है कि आपका दिल टूटेगा तो आप बिखर जाओगे, नहीं, पेशेंस रखो और अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखो। ये छोटी छोटी बातें जो दिल को लगती है वो नहीं लगेंगी और आपका दिल मजबूत ही रहेगा। तो यहां पर मैं इसीलिए बता रही हूं कि छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना छोड़ दो तो आपको जो मैसेजेस मिलेंगे ना बहुत अच्छे से रिसीव कर पाओगे। यहां पर मुझे बहुत सारे लोगों की हीलिंग होती हुई भी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आप हर्ट हो जाओगे तो आपकी हीलिंग नहीं होगी, क्योंकि यहां पर एंजल्स की एनर्जीज बहुत ज्यादा है तो हीलिंग बहुत ज्यादा होने वाली है। अगर छोटी छोटी बातें हर्ट भी करती हैं तो हीलिंग भी साथ में हो जाएगी। आपका जो सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म है ना वो आपकी मदद करेगा, आप खुद से अपने आप को हील करोगे और एंजल्स का साथ तो आपको मिलेगा ही, जिसकी वजह से आप खुद को हील करता हुआ दिखाई देगा आपको कि मैं खुद ही हील हो रहा हूं या हो रही हूं, या एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी जिससे आप हील हो जाओगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फुल मून की एनर्जी बताती है कि अगर छोटी छोटी बातें परेशान भी करेंगी तो हीलिंग भी साथ साथ होगी, जिससे आप खुद को रिपेयर कर लोगे। चलिए मैसेज कार्ड से भी कुछ कार्ड्स लेकर देख लेते हैं कि और क्या मैसेज है आपके लिए। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, तो ये जो फुल मून की एनर्जी है ये बता रही है कि अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से एक्सप्रेस करना ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप हर्ट हो किसी बात से तो भी आप अपने पर्सन को ये बात बोल सकते हो कि आप हर्ट हो, उनकी छोटी छोटी बातें आपको हर्ट कर रही हैं। आप अपनी फीलिंग्स पूरी तरह से एक्सप्रेस करना, अगर आप खुश हो तो भी, अगर आप हर्ट हो तो भी, कुछ भी मत छुपाना। ये फुल मून की एनर्जी यही बता रही है कि जितना आप एक्सप्रेस करोगे फीलिंग्स को उतना ही सामने वाले की बातें समझ में आएंगी और उतना ही वो आपको हील करने की कोशिश कर पाएंगे। अदरवाइज उनको समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम कहां पर है, क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों परेशानी रिलेशनशिप में आ रही है, किस बात को लेकर आपका दिल टूटा है, किस बात को लेकर आप हर्ट हो। तो एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेकेंड थिंग यहां पर है जर्नी विद इन, तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो फिर भी आप कुछ जानना चाहते हो खुद के लिए, तो अपने आप से पूछना के रीजंस क्या है किसी बात को समझ ना आने के, और जिस जर्नी पर आप हो उस जर्नी पर अगर कुछ ज्यादा जानना चाहते हो तो आपको खुद से पूछना होगा, स्पिरिचुअल जर्नी में जाना होगा, अपने अंतर्मन से पूछना होगा, वहां पर आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, वहां पर आपको हीलिंग मिल जाएगी। और एक एनर्जी लेकर देखना चाहती हूँ, लीड बाय एग्जांपल। तो 15 डेज ऐसे हैं जब आप पेशेंस के साथ दूसरों के लिए एग्जांपल बन सकते हो, जब आप अपने आप को दूसरों के प्रति इतना इन्वॉल्व कर सकते हो ताकि दूसरे आपसे सीखें। आप एक ऐसी एग्जांपल हो जो दूसरों के लिए बहुत बड़ी एक ऐसी बात बन सकते हो जो दूसरों को सिखा सकें, दूसरों को समझा सकें, काउंसलिंग दे सकें, दूसरों को गाइड कर सकें। तो ये वाली एनर्जी भी आपकी बहुत अच्छी है जब आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहोगे और कुछ करोगे भी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनकर सामने आएंगे। तो 15 डेज ना आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। एम्प्रेस की एनर्जी बनाती है कि आप काफी लग्जरियस रहोगे, आप काफी आराम में रहोगे
और कई चीजें ऐसी करोगे जो एक एग्जाम्पल बन सकती हैं दूसरों के लिए। दूसरों को आप सिखाओगे कि कैसे क्या करना है, कुछ नॉलेज दोगे, कुछ आपके पास जो चीजें हैं वो दूसरों से शेयर करोगे। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो है वो आप दूसरों के लिए करने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज में। तो दूसरे भी आपको बहुत ज्यादा प्रेज करेंगे, आपको रिवॉर्ड देंगे, आपको कहेंगे कि हाँ आपने उनको एक इंसान बनाया है, एक अच्छा इंसान जिससे उनकी जिंदगी आगे बढ़ सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी जर्नी होती है जब हम दूसरों को सिखाते हैं और एक एग्जाम्पल बनते हैं। तो यही मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। तो ये है आपकी फुल मून की एनर्जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब मैं बात कर रही हूँ इस पिरामिड की। अगर आपने इसे चूज किया है क्लियर क्वार्ट्ज पिरामिड को, तो क्या है आपके लिए फुल मून एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी कार्ड से देखते हैं कि फुल मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या चीजें ऐसी हैं जो आप रिसीव करने वाले हो। ये फुल मून की एनर्जी आपके लिए क्या लेकर आ रही है। यहाँ पर एक कार्ड है ऑल टाइट अप, और कार्ड में ले लेती हूँ। यहाँ पर है एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज। ओके, कई पॉसिबिलिटीज दिखने वाली है इन 15 डेज में। फर्स्ट चक्र आर्क एंजल माइकल, जर्नी। ओके, तो ये है आपकी एनर्जीज जो बता रही हैं कि इस टाइम पर कई पॉसिबिलिटीज हैं जो आपको दिखने वाली हैं, और कई चीजें आपको अपने साथ भी बांधे रखेंगी, जो ऐसा महसूस होगा कि जिससे बाहर निकलने के लिए आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पर पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होंगी, इसलिए अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। आप एक ऐसी जर्नी पर निकलना चाहते हो या निकल चुके हो जहां पर आपको बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी और आप अपने करियर में ग्रो करने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज। बहुत सारे लोगों के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नई जर्नी शुरू हो सकती है। कुछ लोगों के लिए करियर को लेकर, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप को लेकर, कुछ लोगों के लिए यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ग्राउंडेड हो, और ग्राउंडेड होकर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो स्पिरिचुअली आपको बहुत कनेक्ट कर रहा है। मुझे ये फीलिंग यहां से आई है जो फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल बता रहे हैं कि जितना आप अपने फर्स्ट चक्र पर ध्यान करोगे, जितना आप मूलाधार पर ध्यान करोगे, उतना ही आप ग्राउंडेड रहोगे, उतना ही आप मटेरियल्स के साथ डील कर सकते हो, उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा कि अपने फाइनेंसिस के साथ, अपने मटेरियल्स के साथ, जो भी पॉसिबिलिटीज, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं उनके साथ आपको कैसे डील करना है। ये चक्र आपको ग्राउंडेड भी रखता है और ये चक्र आपको मटेरियल्स के साथ डील करना भी सिखाता है। तो जितना हो सके 15 दिन आपको इसे एक्टिवेट रखना है, आपको इसे बैलेंस भी रखना है, इस पे ध्यान केंद्रित भी करना है, ताकि जो पॉसिबिलिटीज आपको मिल रही है ना उसका फायदा आप ले सकें। आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन भी हो सकता है, कुछ लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिनको आप लेकर आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपनी सोल से कनेक्ट रहने वाले हो। आप बहुत ज्यादा सोल से कनेक्ट होकर जिस जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो वहां पर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, रास्ता क्या है, मंजिल कहाँ पर है। तो आप ऐसे ही नहीं निकले हो, ये सोल जर्नी आसान है और आप इसे आसान मानकर ही चल रहे हो। बहुत पॉजिटिवली आप आगे बढ़ रहे हो और 15 डेज आपको काफी आपकी जर्नी कवर करने में मदद करने वाले हैं। तो काफी पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जो आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है, उतना ही ये जर्नी आपके लिए आसान होगी। तो चलिए टैरो की मदद से भी मैं कुछ कार्ड्स लेकर देखना चाहती हूँ कि और पॉसिबिलिटीज क्या हैं और ऐसी क्या चीजें हैं जो आप रिसीव करने वाले हो। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि आप एक यात्रा पर हो और ये यात्रा ऐसी यात्रा है जहां आप कुछ चीजों को छोड़ोगे जिसका आपको दुख भी होगा, जैसे फैमिली को पीछे छोड़ना या फैमिली से दूर जाना, पर वो आपके अच्छे के लिए है। आप प्रमोशन होकर जा सकते हो जहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। आप किसी बड़े ओहदे पर जा सकते हो जिसके लिए आपको फैमिली को तो छोड़ना पड़ रहा है, पर जो आगे आने वाली जिंदगी है वो काफी स्मूथ है, काफी अच्छी है, काफी आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो 15 डेज मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जब आप ट्रैवल करोगे, और ये ट्रैवल आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे आप में से जो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे
और आप और चीजों के बारे में सोचते रहेंगे, और चीजों के बारे में समझते रहेंगे, आपके आसपास जो है उनके बारे में ज्यादा आपका ध्यान होगा। तो अगर आप इसको नहीं एक्सेप्ट करोगे तो सोचते रह जाओगे, फिर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन चीजों को नहीं ले पाओगे, अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना चाहिए आपको, और आगे जो जर्नी आ रही है जो आपके लिए अच्छी हो सकती है उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम, देखिए यहां पर भी है कि आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं। 15 दिन में जो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी आप रिसीव करोगे, उसमें से जो अपॉर्चुनिटीज आपको दिखें उन्हें जरूर एक्सेप्ट करना। आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर देकर जाएंगी वो। आप जिस जर्नी पर हो वो अच्छी जर्नी है, आपको इसमें कोई भी शक शुभा नहीं लेकर आना कि मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, बहुत दूर है, चीजें बहुत मुश्किल हैं। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, यहां पर फायरी एनर्जी है, एयर एनर्जी है, तो आपको मूवमेंट में रहना है, आपको बैठना नहीं है। ये जर्नी आपको बता रही है कि जितना आप मूवमेंट में रहोगे उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे। यहां पर भी देखिए फायर एनर्जी, तो फायर और एयर की एनर्जी आपके लिए बहुत कुछ बता रही है। यहां पर है कप्स की एनर्जी जो बता रही है कि कंफ्यूजन बहुत रहेगी मन में कि क्या मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, पर आपको मैं एडवाइस यही करूंगी कि आप इसे जरूर एक्सेप्ट करें, ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए जरूरी है। यहां पर मैं एक बात जरूर देख रही हूं कि लालच में आकर एक्सेप्ट ना करें तो ज्यादा अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज को देखकर एक्सेप्ट करें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत सारी चीजों को बैलेंस भी करना पड़ेगा, घर परिवार को बैलेंस करना पड़ेगा, रिलेशनशिप को बैलेंस करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप नया नया हो और आपको दूर जाना पड़े, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है रिलेशनशिप में, तो वहां चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैं क्या चॉइस करूं, घर परिवार चॉइस करूं या अपॉर्चुनिटीज को चॉइस करूं, तो ये भी आपके लिए एक दुविधा हो सकती है। तो ये द्वंद्व बहुत सारे लोगों के लिए बना रह सकता है, तो इस द्वंद्व को आप थोड़ा दूर रखें और अपने आप को सोचें समझें, अपने आप को इस तरह से बनाएं जिससे आप खुद को बता सकें कि आपके लिए सही क्या है, आप किस जर्नी पर जाना चाहते हो और वो आपके लिए सही है। तो परिवार को समझा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, बैठकर उनको बता सकते हैं कि ये मेरे लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और ये बार बार नहीं आती है जिंदगी में, तो वो समझ जाएंगे। आपको समझाना आना चाहिए, वो जरूर समझ जाएंगे। तो ये फुल मून आपके लिए ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भर भर कर लेकर आ रहा है। यहाँ पर फायर एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि आप मूवमेंट में रहोगे, आप बहुत पैशनेट रहोगे, काम करना चाहोगे, और ये एनर्जी बिल्कुल आपके करियर की एनर्जी ही है। यहाँ पर रिलेशनशिप की एनर्जी मैं बहुत कम देख पा रही हूँ, और जो रिलेशनशिप में है या जो किसी से बंधे हुए हैं वहां पर थोड़ी मुश्किल उनको हो सकती है चॉइस करने में कि वो क्या करें या क्या ना करें, दुविधा की स्थिति हो सकती है उनके लिए। तो यहां पर आप लोगों को बहुत ध्यान से फैसले लेने हैं, क्योंकि सारी एनर्जीज जो है वो ज्यादातर आपके करियर के लिए आई है या आपकी एनर्जी के लिए आई है। तो यहां पर मुझे वाटर एनर्जी बहुत कम दिखाई दे रही है, पैशन ही पैशन दिखाई दे रहा है। तो आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हो, जिससे रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। आपको रिलेशनशिप को बहुत ध्यान से डील करना है ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको ना दिखाई दे। तो यहां पर मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहती हूँ। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो रिलेशनशिप को अगर आप अच्छा रखना चाहते हो तो दूसरों को लाइक का बटन दबा करना, खुश करना सीख लो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लाइक करते हो किसी को तो वो भी आपको लाइक करता है। फोकस ऑन द पॉजिटिव, यहां पर यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको पॉजिटिव पर फोकस करना है। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ओके, तो भगवान को ग्रेटिट्यूड देना मत भूलें, जो भी आपको मिल रहा है उसके लिए, जो भी आपके पास है छोटी छोटी चीजें भी अगर उनको ग्रेटिट्यूड करोगे ना तो और भी ज्यादा आपको मिलेगा। यहाँ पर है वरी इज अ वेस्टेड इमोशन, तो ये जो मैसेजेस हैं ये बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं। ये आपको बता रहा है कि अगर आपको चिंता है कि मुझे जो मिल रहा है मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूं तो परिवार से दूर चला जाऊंगा या दूर चली जाऊंगी, मुझे प्रमोशन मिल रहा है पर उसका क्या फायदा जब परिवार ही नहीं होगा, तो ऐसी बहुत सारी चिंताएं जो बिना बात की होंगी वो आपके पास रह सकती हैं, पर वो एक वेस्टेड इमोशन है। क्योंकि जब इंसान सक्सेस की तरफ बढ़ता है तो मन में बहुत सारे शक भी आ जाते हैं, और इन शक को दूर रखना ही आपके लिए जरूरी है। इन 15 डेज में बहुत सारे उतार चढ़ाव और द्वंद्व से गुजरेंगे आप, पर वो अच्छे के लिए होगा, तो ये एक अच्छी बात है। तो इसका ग्रेटिट्यूड भी करें, फोकस करें अपने पॉजिटिविटी की तरफ, फोकस करें जो चीज मिल रही है उसकी तरफ, और साथ में ग्रेटिट्यूड की एनर्जी लेकर आप आगे बढ़ते जाएं। दूसरों को प्यार करें,
करें, दूसरों से अच्छे संबंध रखें, दूसरों को लाइक करें, जिसकी वजह से आपको भी उतने ही लाइक्स मिलेंगे, आपको भी उतना ही पसंद किया जाएगा। तो ये है आपकी एनर्जी आपके लिए आज की। तो यहाँ पर 15 डेज आपको यही बता रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।